नए किसान बिल को लेकर पन्ना में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राम प्रताप और विधायक शिवदयाल बागरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है, उनका समर्थन मूल्य से भी बिल पर फर्क पड़ रहा है, जिसके चलते इस कानून को वापस लेने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सब उच्च स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले दिनों ये जो संसद में काला कानून पास हुआ है कृषि बिल के नाम में, वह बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है और उस बिल में जो बहुत ही खामियां हैं वो किसान के हित में नहीं है, आगे चल के किसान भूखे मरने के नौबत में आ जाएगा। इसलिए हम किसानों के सम्मान हित के लिए आज सेवा दल द्वारा तो अब हम इस कानून को उनको पुनर्विचार कर इसको रद्द करने की मांग करते हैं। जिसने विधेयक पास किया है उसका हमारा सेवा दल संगठन और हमारे प्रदेश से जो यहाँ का जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है उनके नेतृत्व में हम लोग किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मांग है कि अपना ये विधेयक वापस लें और यदि वापस नहीं लेते हैं तो हम और कुछ स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।